आप सब ने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। भारत की इस हुंकार पर चीन घिर गया, दुनिया में अलग थलग पड़ गया, कूटनीतिक लाइफलाइन की सांसें उखड़ने लगी। अब दुनिया चीन के छल और चालबाजी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। दुनिया भर के देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। फिर चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो या फिर रूस, फ्रांस हो या फिर जर्मनी, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, 59 चीनी ऐप पर लगे बैन को जायज बताने वाले अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में सैन्य अभ्यास कर चीन को बड़ा संदेश दे दिया। इस अभ्यास में नौसेना और एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका से दोस्ती का गिफ्ट विनाशक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन NH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के रूप में मिल रहा है। दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले 24 हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर फैसला हो चुका है। 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर में ही मिल जाएंगे। ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडो से लैस होते हैं, जो समंदर में कई 100 मीटर नीचे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। इस घेरेबंदी में भरोसे का साथ ही रूस भी साथ है। चीन से तनातनी के बीच रूस से 33 फाइटर जेट की डील पक्की हुई है। समझौते के तहत 12 नए सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन पर भी मुहर लग गई है। इस सौदे पर 38,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 12 सुखोई SU-30 MKI, उसके साथ जो है आपके 248 अस्त्रा मिसाइल, जो एयर टू एयर मिसाइल एयरफोर्स और नेवी के लिए, और 59 जो MiG-29 हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए अप्रूवल बिना का कॉम्बिनेशन। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए हथियार आए इस टेंशन को देखते हुए। फ्रांस ने भी खुलकर साथ दिया है। राफेल की डिलीवरी इस महीने शुरू हो रही है। इसके आने से आसमान में भारत और फौलाद हो जाएगा। अब जापान ने भी चीन की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में जो हुआ उस पर जापान ने 2-2 कह दिया है कि वो LSC की यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। आप सब ने मिलकर के करारा जवाब भी दिया।